हेलो फ्रेंड, तो आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अभी सुबह देखिए हो चुका है और अभी मेरा दीवार कितना गंदा हो गया। सबसे पहले आज सुबह हम सो के उठे तो देख रहे ताकि मेरा पेंट में देखिए जीवा लोग बच्चे लोग सारे दाग लगा दिए, पूरा कितना सारा गंदा है। तो अभी हम पहले रूम को पूरा अच्छे से, आज संडे भी है तो हम पहले आज रूम को पूरा अच्छे से साफ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक पानी भी नहीं खुला है। मेरे घर पे पानी जो आता है वो अभी तक नहीं आया। तो अभी देखिए कितना सारा कपड़ा हम बाहर निकाले हैं धोने के लिए। और ये रहा मेरा ड्रेसिंग, पता नहीं इतना हम सरिया के रखते हैं फिर भी देखिए आप कैसे बिखरा हुआ, आपको सामान जैसे तैसे बिखरा हुआ। तो अभी हम ये सबको पूरा अच्छे से घर को पूरा अच्छे से सफाई करके साफ कर देंगे। और उधर देखिए मेरे हस्बैंड दीवार को कैसे पोंछ रहे, क्या कर रहे हैं, तो इनको बोले आप भी मदद कर दीजिए। इतना दीवार में गंदा हो गया ना, लेकिन पूरा जीवा इतना सब गंदा करती है, जीवा दक्ष छोटी ये सब मिलके उल्टे नहीं, ये लोग आते हैं सारा रूम में और बदमाशी कर करके इतना गंदा करते हैं और पूरा दीवार में दाग लग जाता है। तो अभी हम लोग उसको अच्छे से साफ कर रहे हैं। किस चीज से साफ कर रहे हैं? सरफ ले लिए हैं मग में, सरफ दिखाइए। तो देखिए फ्रेंड, तो इसमें हम सरफ घोर लिए हैं और एकदम पूरा चकाचक दीवार है। हाँ, अभी पूरा देखिए पेंसिल से पूरा है ना लिख दिया है जीवा। अब पेन वाला लगता है नहीं छूट रहा है ना, पेन वाला नहीं छूटेगा, उसको घस के ठीक करना पड़ेगा। तो ये लोग बहुत बच्चा का घर है ना, इसीलिए थोड़ा सा तो होगा ही होगा, क्या करोगे। हाँ, लेकिन जीवा मेरी ज्यादा बदमाशी करती है, वही इतना ज्यादा पेन से चिसती है, तब से उसको देख पूरा दीवार में, पूरा दीवार में काखा गागा अंगा एबीसीडी लिख देगी। अभी लिखने भी उतना नहीं आता है फिर भी जो पर्स लिख देती है। तो अभी आप मेरे ब्लॉग पे बने रहिए, तो देखते हैं अभी रूम मेरा अच्छे से साफ होने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि बाकी। अभी सबसे पहले ये दीवार साफ कर रहे हैं तो हम ड्रेसिंग को साफ करते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है। और अभी हम देखे गोदरेज का शीशा सब पोछ लिए तो ये पूरा चकाचक शाइनिंग मार रहा है। अभी हमको देखिए उधर वाला करना है उसको, वो भी गंदा है, तो अभी हम पहले उसको साफ कर लेते हैं। इसी तरह मेरे ब्लॉग पे बनी रही। तो फ्रेंड अभी सारा रूम को अच्छे से साफ कर दिए हैं और देख सकते हैं येलो येलो ऑरेंज ऑरेंज लग रहा है। और इधर भी अभी बाकी, इधर थोड़ा सा बाकी है और देख सकते हैं कितना कचरा इधर उधर से निकला, यानी कि गोदरेज के अंदर से इतना फगुनियाँ निकाली, क्योंकि जीवा ये हालत जीवा करती है, अंदर अंदर जितना भी सामान है सब घुसेड़ देती है। तो फ्रेंड अभी चलते हैं जल्दी जल्दी, हम लोग दोनों मिल करके साफ़ सुथरा कर लेते हैं और उसके बाद अंदर भी बहुत सारा कचरा होगा, काहे कि हाँ तो रोज रोज साफ नहीं कर पाते थे, इसलिए आज संडे था, मौका था, तो सोचे चलो भाई इसको साफ उफ जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो फ्रेंड बने रहिए हमारे ब्लॉग में, अभी देखते हैं कि और कहाँ कहाँ मतलब साफ सुथरा सफाई कर लेते हैं पूरा घर को आज। तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है रूम, और आप पानी ला दीजिए। हाँ तो पानी उनी लाते फगुनिया के लिए, वो कहे घर उर में पोछा उछा नीचे लगाएगी, तो चलिए हम पानी उनी लेकर के आते हैं। तो फ्रेंड अभी देख सकते हैं फगुनिया ने सब कचरा उचरा चुना और इधर आ गया फगुनिया के लिए खाने के लिए पास्ता, और ये सोनम बनाई थी पास्ता, तो बड़ी छोटी मम्मी आप खा लीजिए क्योंकि आप थक गए काम करते करते, तो इसीलिए फगुनिया के लिए देखिए अभी आ गया पास्ता और खाएगी पास्ता। तो देखो देखो भीख से नहीं ना उसमें, नहीं नहीं ये डब्बा ना, सोचे भीख से भीग देगी का, तो खा लो झाड़ू करके पोछा बाद में मारना है। ठीक है, हम पानी ला देते हैं। तो फ्रेंड अभी देख सकते हैं कि भूख लग गया था और चावल खत्म हो गया था, तो अभी लेकर के आ गए हम लिट्टी और चोखा और जीवा के लिए चिप्स ना, और चिप्स दक्ष का है दे दो बेटा, हैं तुम्हारे लिए लिट्टी है, खाओ बैठ करके चलो आप। तो हम अभी थाली उली लेकर के आते हैं तो जा करके लिट्टी उट्टी खाएंगे। तो ये रहा झारखंड का लिट्टी चोखा। ये सब क्या खा रहा है, चिप्स? तो चलिए पहले हम लोग खा लेते हैं। तो फ्रेंड क्या सारा काम कर लिए, घर को पूरा अच्छे से साफ सफाई करके नहा वहा के और अब खाना वाना खा के हम अपना एक साड़ी खरीदे थे उसके लिए ब्लाउज बना रहे हैं, थोड़ा रेडी पूरा कंप्लीट रेडी करके ही छोड़ेंगे। और इधर रहा ब्लाउज का वो कट पीस है, उधर काट काट के रखी है ये। और देखिए फ्रेंड दक्ष कैसे टीवी देखता है, कार्टून देख रहा है वो सुत सुत के। हाँ कार्टून लगा दिए ताकि वो आराम, कार्टून
क्या देख रहा है बेटा, क्या चीज देखता है बोलो, क्या चीज? कार्टून बोलो बोलो ए, बोलो कार्टून, डुगु 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 बोलो कार्टून बोलो बेटा, नहीं बोलेगा कार्टून, कार्टून बहुत अच्छा से बोलता है लेकिन देखिए अभी भाव मार रहा है। डुगु बोलो कार्टून, कार्टून। तो फ्रेंड देखते हैं जल्दी जल्दी सी करके और इसका होता है कि नहीं, है ना, सी लेकिन आज। अच्छा गाड़ी देखिए चाबी ले लिया, बोलता है घुमाने के लिए हमको। तो फ्रेंड चलिए चलते, हम ब्लॉग बनाना स्टार्ट जैसे ही किए थे तो वैसे ही जीवा क्या की है कि खुद का अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट की है। और देखिए वो आज ब्लॉग बनाने के लिए वो चूड़ी पहनी है ना जीवा, और चूड़ी के साथ वो एक छोटा सा पर्स रखी है। तो अभी वो बोली कि पापा हमको मोबाइल दीजिए, हम खुद से अपना ब्लॉग बनाएंगे। तो पता नहीं जीवा जिस तरह हम लोग का देखते हैं उस तरह सीख जाती है और बोलती है कि हमको भी ब्लॉगिंग करना, हम भी यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे। हाँ तो कैसे वीडियो बनाओगी बेटा? हम बोल बोल के। कैसे बोलोगी बता दो सबको। हेलो फ्रेंड, आप लोग को लाइक करेंगे मेरे कमेंट में। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल, बोल दो। आप लोग का स्वागत है वीडियो चैनल वीडियो चैनल चैनल वीडियो में। तो फ्रेंड अभी मेरी बेटी जीवा थोड़ा बोल नहीं पाती अच्छा से, लेकिन ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और खुद से बहुत सारा क्लिप अपने निकाल लिया है। यानी कि एक मोबाइल में इसी का मतलब भर भर के रखी है अपना वीडियो। तो उस वीडियो को भी हमको डिलीट भी मारना पड़ता है क्योंकि अभी तो पकड़ नहीं पाती ना मोबाइल। और वैसे तो कल से स्कूल है इसका, तो देखते हैं जल्दी से इसको कब तक ये मोबाइल वोबाइल चलाती है। मोबाइल ज़्यादा देंगे ना चलाने देते भी तो ABCD वाला जो होता है ना बच्चा वाला, रैम्स वगैरह वैसे पढ़ती है। तो अभी देखिए वो खुद से भी बना रही है वीडियो। तो पैसा रखी हो पर्स में जीवा? नहीं नहीं रखी हो बेटा? नहीं, इसमें। तो अभी देख सकते हैं कि अच्छा कैमरा भी स्टार्ट कर करके वो रखी है। और तो फ्रेंड आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक जीवा बना रही है अपना ब्लॉग। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।